वर्ष 2018 से दुर्गुकोंदल में संचालित हॉस्पिटल दुर्गुकोंदल की हालत खराब है। हॉस्पिटल की व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। जहां हॉस्पिटल के लिए भवन बनाया गया था, जो लापरवाही और अनदेखी की वजह से बदहाल है। भवन की छत से प्लास्टर गिर रहा है, कमरों में पानी टपक रहा है। बारिश होने पर मरीजों को पलंग इधर उधर सरकाना पड़ता है और उन्हें भगवान भरोसे रहना पड़ता है। हॉस्पिटल के आला अधिकारी ध्यान तक नहीं देते कि मरीज लोग कैसे रहते हैं और क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हालत इस कदर खराब है कि बाथरूम में लाइट तक का भी इंतजाम नहीं है। वहीं ओम प्रकाश बोदेलकर और आदेश बघेल और खिलेश्वरी कोमरा ने बताया कि नाश्ता पानी और खाना भी टाइम पे नहीं मिल पाता है और मरीजों का कहना है कि हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। पानी टपकता है, बहुत परेशानी होता है, बेड पूरा गीला हो जाता है। खाना वाना सही टाइम मिलता है नहीं मिलता है? अब तक तो 8 बज रहा है, कोई नाश्ता पानी नहीं मिला। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गैंदलाल मरकाम की रिपोर्ट, कांकेर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बैकुंठपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई पूर्व संसदीय सचिव माननीय श्रीमती चंपा देवी पावले जी। वही कार्यक्रम भरतपुर सोहनत के विधायक माननीय श्री गुलाब कमरो जी के मुख्य आतिथ्य एवं संसदीय सचिव माननीय श्रीमती चंपा देवी पावले जी की अध्यक्षता में और जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती कलावती मरकाम जी, जनपद सदस्य श्रीमती सौभाग्यवती सिंह जी, सुश्री शैलजा सिंह जी की गरिमा में उपस्थित में सम्पन्न हुआ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राकेश कुमार बंसल की रिपोर्ट, कोरिया, छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिले का शक्ति विधानसभा क्षेत्र हमेशा हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है और माना क्यों भी न जाए, क्योंकि यहां के विधायक कांग्रेस के दिग्गज नेता और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी हैं। चरणदास महंत मतलब कांग्रेस का एक अहम हिस्सा और वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी है। लेकिन यहां के क्षेत्रवासियों की बात की जाए तो उनकी समस्या का समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। सत्ता में कोई भी आए जाए, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कितने भी बड़े कद्दावर नेता क्यों न हो, लेकिन ग्रामीणों की हालत जस के तस रहेगी। वोट के दौरान नेता बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन उन वादों की वास्तविकता हकीकत क्या है, आप यहां के क्षेत्रवासियों की समस्या से ही अंदाजा लगा सकते हैं। चरणदास महंत ने ग्रामीणों को यह दिलासा दी थी कि जब वह चुनकर विधानसभा पहुंचेंगे तो सबसे पहले उनकी इस बदहाल सड़क की समस्या का समाधान करेंगे। कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा, यह वाकया साहब के विधानसभा क्षेत्र में फिट बैठता है। एक और जहां कांग्रेस नवा छत्तीसगढ़ को बेहतर से बेहतर राज्य बनाने की बात कर रही है, लेकिन साहब नवा छत्तीसगढ़ कहते कहते पुराने छत्तीसगढ़ पर भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कई गांव ऐसे हैं जहां के लोगों को सड़क तक नहीं नसीब हो सकी। लोग पगडंडी या फिर कच्ची सड़क के सहारे आने जाने पर मजबूर हो रहे हैं। जहां मीडिया ने तो अपना काम बखूबी निभा दिया है साहब को अवगत कराकर, लेकिन अब बारी साहब की है। आखिर कब तक साहब ग्रामीणों की समस्या का समाधान करेंगे और उन्हें पक्की सड़क देंगे? मैं छठी क्लास में पढ़ती हूँ। मैं रोज स्कूल जाती हूँ, मेरा नांगा हो जाता है और रोज मैं बिछड़ जाती हूँ, और इसीलिए मेरे को नहाना पड़ता है रोज जाके घर में और फिर जाना पड़ता है स्कूल। जब ले हम यहाँ देखा था, बड़ दिन हो गए, रोड बने चिनिए, जब ले देखा था यह पूरा चिखला या कि तारे, हम यहाँ से SDM सब लगातार पंच सरपंच, यहाँ तक कि कोई यहाँ रोड बनावे नहीं करते थे और अतकी तारे सब दिन चिखला है। क्या का परेशानी होते? बहुत परेशानी होते, लड़का मन ला का कहते हैं स्कूल लेते हैं तो नहा धोए में लागते, पूरा चिखला में लड़का मन गिर के सना जाते हैं, साइकिल में सना जाते हैं, बस्ता में सना जाते हैं और बहुत परेशानी है। हमला पढ़े नहीं जा सकते हैं, लड़का मन के नांगा हो जाते थे। हाँ देखा भाई, चरण दास ले बोले रहे सड़क ले बनाए खातिर, कोई बनात नहीं है, सुनई हम नहीं करे से रास्ता देखा कहे हैं और गिरज मरत हैं सब मोहल्ला भर के। के साल ने खराब है बाबा तुम्हारे सड़क? यह जब ले बने बस्ती बसे तब ले। अच्छा, बस्ती बने तब ले सड़क बने? हाँ। न सचिव सुनाते न सरपंच सुनाते नहीं है, क्या कहते हैं विधायक नहीं सुनाते, विधायक सुना से नहीं गेम नहीं सुनाते, चरणदास सारी से ओहलो कहे नहीं करा। हाँ। तो हु हाउ कहीं चाह बस नहीं चिनिए आइस देखिस चल दिस चल दिस। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए लाला उपाध्याय की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा। समाज से बहिष्कृत किए जाने के बाद पुलिस की शरण लेने वाले दिलहरण कर्ज के मामले में अब समाज का स्वर बदलने लगा है। समाज के लोगों ने आज शक्ति में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने दिलहरण कर्ज को समाज से बहिष्कृत नहीं किए जाने का हवाला दिया है। आपको बता दें कि माल खरौदा क्षेत्र में पेहरीद निवासी दिलहरण कर्ज ने अंतरजातीय विवाह किया है,
दिलहरण कर्ज व उसके परिवार का आरोप है कि अंतरजातीय विवाह करने के कारण समाज ने उसे पूरे परिवार के साथ बहिष्कृत कर दिया है। इतना ही नहीं, उसे बतौर जुर्माना 1.5 लाख रुपए समाज को दे चुका है, जबकि वह घर का जेवर गिरवी रखकर करीब 60,000 रुपए दे चुका है। फिर भी समाज के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। इस आशय की रिपोर्ट पर पुलिस ने समाज के कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इधर मामला थाना पहुँचने के बाद समाज के ठेकेदारों का सुर बदल गया है। उन्होंने आज सख्ती में एक बैठक की, जिसमे दिलहरण कर्ज व उसके परिवार को कभी भी समाज से बहिष्कृत नहीं करने का निर्णय प्रस्ताव पारित किया गया है। इतना ही नहीं, समाज के लोगों ने दृढ़ कर्ज व उसके परिवार को समाज को कभी भी बहिष्कृत नहीं किया गया है, समाज में ही खान पान करते हैं रहते हैं, ऐसा पदाधिकारियों द्वारा बाइट के माध्यम से बताया गया। हर कार्य में शामिल होने से कभी भी नहीं रोकने और आगे भी नहीं रोकने का प्रस्ताव पारित किया है। अब देखना यह है कि समाज के इस निर्णय का दिलहरण कर्ज और उसके परिवार पर कितना असर होता है और पुलिस या कार्रवाई क्या होती है। पदाधिकारियों ने कहा कि हमारे द्वारा बैठक रखी गई है, जिसमें दिलहर को भी बुलाया गया था, परंतु दिलहरण उपस्थित नहीं हुआ। वह हमें बताएं कि समाज के द्वारा किन लोगों के द्वारा बहिष्कृत किया गया, जिसके द्वारा जुर्माना मांगा गया, परंतु समाज से उसे छोड़े जाने के बाद गलत है। अपना पक्ष रखने के लिए बैठक में वह उपस्थित ही नहीं हुआ। हाँ, माल खोजा क्यों खोज भरा मन ना है, दिलहरण कोई प्रकार से छोड़े नहीं है, बोला खान पान बढ़िया नाता रिश्ता सब में चला थे। हमारे के गाँव के आदमी है, मैं माल खोजा के नजदीक आदमी पूरा, मैं जाकर जाना था। वह जो कहा था कि मतलब मोला छोड़ के डांड ले हैं, पैसा ले हैं, तो सही है गलत? वो गलत है। वो तो व्हाट्सएप में जाते अंतर जाती मामले में जो दिलहरण वाला केस के जो चला थे अभी, यही वाला व्हाट्सएप में है ना, उसमें दिलहरण ना कोई प्रकार के समाज से छोड़े नहीं गए हैं, ना समाज से कोई प्रकार वाला बहिष्कृत नहीं किए गए हैं, और समाज में खान पान और अनाज आना सब रोटी बेटी सब चलत है। और ऐसे तो कोई प्रकार का कोई परिक्षेत्र वाला कोई प्रकार के प्रताड़ित वगैरह नहीं किए गए। आज की बैठक में ये पता चला है कि सामाजिक समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ कि भाई दिलहरण कर्ज पीड़ित वाले मालखुदा क्षेत्र में उनको छोड़ दिया बहिष्कृत। तो हमारे जितने भी समाज के बिलासपुर संभाग के है ना, आपके बिलासपुर जिला, कोरबा जिला, महासमुंद जिला, रायगढ़ जिला और जांजगीर जिला, कोरबा जिला के सभी सामाजिक बंधु उपस्थित हुए हैं। और वो 17 तारीख को जो बैठक हुआ था 17 जून को, उसमें हम लोग निरीक्षण किए, उससे पता चला है दिलहरण कर्ज ने आवेदन किया था कि समाज में मैं दूसरे लड़की की शादी कर लिया हूँ, तो इस संबंध में सामाजिक बंधु उपस्थित होकर के कहना चाहिए उनको निःशर्त मने समाज में किसी प्रकार के उनको विवाद नहीं किया गया है, और वो कहना चाहिए उसको सत्य नारायण कथा कहने के निर्देश किया गया है। तो इस आधार पर हम सभी लोग अब पता किए हैं आसपास में, और इस क्षेत्र के हमारे सामाजिक प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो पीड़ित गाँव मालखुदा क्षेत्र से लगे हुए उनके रिश्तेदार हैं, इन लोगों से पता भी किए कि कहीं क्या दिलहरण कर्ज का क्या समाज से बहिष्कृत है क्या, तो बोल ये बोल रहे हैं कि कोई प्रकार के समाज से बहिष्कृत नहीं है, ऐसा बात सामने में आया है। तो हम लोग कहना चाहिए अगर किसी प्रकार से उनको समाज से अगर बहिष्कृत किया गया है ऐसा सुनने में आया है, तो हमारा कहना है उनके परिवार को सम्मान कहना चाहिए, उनको व्यवहार किया जाए, ऐसा करके हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया गया है आज के दिन में, और किसी प्रकार के उनको समाज से बहिष्कृत नहीं किया गया है, ये बात की जानकारी हम सबको हुआ है। और इसके दौरान क्या बोलना चाहता था? मैं ही बोलना चाहा था, मैं आडेलपर क्षेत्र के बरेट समाज के अध्यक्ष डुलेश्वर बरेट वो नाम है, और दिलहरण वाला मैटर में मैं भी व्हाट्सएप फेसबुक में सब चीज देखे, तो मोला तो ये ज्ञात हुई कि अभी तक दिलहरण जो बरेट है पूरा वो सामाजिक खान पान में नाता रिश्ता मन बकायदा होकर घर में आन आज जात है, और कोई भी प्रकार के वह मतलब अभी तक समाज से बहिष्कृत या समाज वाला नहीं छोड़े गए, ये मोला जानकारी है ना, मैं भी पता भी करे और मैं सकारा से रहने वाला हूँ। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए लाला उपाध्याय की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अंबिकापुर में आदिवासी समाज के विभिन्न वर्ग के द्वारा शहर में विशाल रैली निकालकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें आदिवासी समाज के युवक युवतियों द्वारा विभिन्न प्रकार के नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार की शैली में नृत्य उत्साह में थिरकते हुए रैलियों में प्रदर्शन किया, साथ ही साथ नहीं है हम वनवासी देश के हैं हम वासी का नारा लगाया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दिनेश गुप्ता के साथ शिवम गुप्ता की रिपोर्ट, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
जनपद बेमेतरा की कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने 8 अगस्त को शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जेवरा में कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को गोली खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत ने कार्यक्रम का उद्देश्य को लेकर कहा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्देश्य बच्चों के समग्र स्वास्थ्य पोषण की स्थिति, शिक्षा तक पहुँच और जीवन में गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1 से 19 वर्ष की उम्र के बीच में बच्चों में कीड़े समाप्त करने की कृमिनाशक दवा देना है। गुड़ बहुत ही अच्छे हैं, मतलब इससे जो आपके पेट के अंदर जो परजीवी पैरासाइट है वो सारे इससे मर जाएंगे। और ये 1 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से खाना चाहिए, साल में 2 बार खाना चाहिए। आज 8 अगस्त है, 8 अगस्त को आप लोगों को सभी लोगों को खिलाया जाएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट, साझा। जनपद सरगुजा के ब्लॉक उदयपुर के अंतर्गत ग्राम झिरमिटी में स्थित कस्तूरबा कन्या आवासीय विद्यालय की छात्राओं एवं विद्यालय की शिक्षिकाओं और अन्य स्टाफ ने मंगलवार को अदानी कंपनी के महेंद्र जांगड़े के नेतृत्व में झिरमिटी गांव की सभी गली मोहल्लों में स्वच्छता जागरूकता के लिए स्वच्छाग्रह रैली निकाल कर लोगों को संदेश दिया। रैली के दौरान छात्राओं द्वारा नारों के माध्यम से पॉलीथीन का प्रयोग न करने, घर का कचरा इधर उधर न फेंकने, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का आग्रह किया गया। छात्राओं ने स्वच्छता दल के सदस्य के रूप में शपथ लिया, उन्हें स्वच्छता बैच भी प्रदान किया गया। इस दौरान छात्राओं ने गाँव के चौराहे में नुक्कड़ नाटक एवं स्वच्छता गान के माध्यम से खुले में शौच न करने, भोजन से पहले और शौच के बाद हाथ साबुन से धुलने, अधिक से अधिक पेड़ लगाने, वर्षा के जल को संरक्षित करने तथा महिलाओं को संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक किया। रैली में विद्यालय की अधीक्षक प्रेमला सरोजनी बड़ा, विद्यालय की अन्य शिक्षिकाएं और छात्राएं सम्मिलित रही। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए क्रांति रावत की रिपोर्ट, उदयपुर सरगुजा। बीते दिनों विद्युत मीटर रीडर से मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामला पद्मनांगपुर थाना अंतर्गत का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना 5 अगस्त के दोपहर के समय की है। मीटर रीडर सुरेश बघेल रीडिंग के लिए फोकटपारा कसारीडी स्थित तामेश्वर कौशल नामक व्यक्ति की मीटर रीडिंग करने घर गया था। बघेल के मुताबिक दरवाजा खटखटाया तथा घर में प्रवेश किया, लेकिन तामेश्वर की तरफ से बिना दरवाजा खटखटाए घर में प्रवेश को लेकर मारपीट तथा गाली गलौज किया गया। घटना की जानकारी सुरेश बघेल ने फोन के माध्यम से अपने जेई तथा संबंधित अधिकारी को दी तथा संबंधित थाने में FIR कराया। पुलिस ने बताया कि आरोपी तामेश्वर के ऊपर धारा 294, 506, 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर दुर्ग में जितने भी मीटर रीडर हैं, वह इस मामले को अपने संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखकर वार्तालाप की कि भविष्य में किसी भी मीटर रीडर के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए गैर जमानती धारा लगाई जाए तथा इसके लिए SP तथा कलेक्टर के लिए आवेदन तैयार कर लिया गया तथा बताया जा रहा है कि यह मीटर रीडर के साथ चौथी घटना है। जो घटना घटी है आपकी मीटर रीडर के साथ, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जानकारी ने फोन पे दिया, उसके बाद हमने तुरंत अपने सुपरवाइजर और बाकी कर्मचारियों को अवगत कराया और वहाँ पे इस घटना स्थल पर पहुँचे। बताया जा रहा है कि ये चौथा घटना है, तो आपकी ये विद्युत विभाग द्वारा ऐसी कोई सुरक्षा सेफ्टी बनाई गई इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के लिए कि अभी तक आप लोग मौन धारण किए हुए हैं? सेफ्टी सुरक्षा के लिए फील्ड का काम है, इसमें कोई पता ही था कि कब घटना हो जाए, ऐसे अवगत करा देते हैं वहाँ पे विभाग में। और कोई सुरक्षा नहीं है? बताएंगे कि घटना कब की है और कहाँ की है? ये सर कल 3:45 पे कसारीडी फोकट पारा के हुआ सर। क्या करने गए थे आप वहाँ पे? मैं मीटर रीडर हूँ सर, तो वहाँ पे मैंने दरवाजा खटखटाया, उसके बाद उसको आवाज़ दिया, वो वहाँ पे खाट पे सोए हुए थे और बंदा उठा, उसके बाद मैं अंदर घुसा, उसके बाद मैंने मीटर रीडिंग की बिल बना रहा था, उस समय कैसे घुस गया घर के, मारपीट किया सर। और आपने भी मारपीट किया सर? नहीं मैंने, उन्होंने हाथ पकड़ किए हैं, मैं विरोध किया हूँ, उसके बाद उन्होंने कुछ रखे हुए थे जेब से निकाला और मेरे सर पे मारा, तो यहाँ पे गहरा चोट लगा। क्या नाम लिखे? सुरेश। हमारा लग सकता है कि नहीं बोल रहे? ये मीटर रीडर के साथ ये चौथा घटना है हमारी, 3 मीटर रीडर के साथ और हो चुका है ऐसा मारपीट, तो हम चाहते हैं कि ऐसा भविष्य में ना हो किसी भी मीटर रीडर के साथ मारपीट, हम लोग यही चाहते हैं बस। क्या नाम है सर? बीकम कुमार साहू। आपकी मीटर रीडर सुरेश बघेल के ऊपर जो घटना घटी है, इसके संदर्भ में आपने क्या किया अभी तक? असल में हम लोग सब मीटर रीडिंग के अंतर्गत जो है सभी रीडर यहाँ दुर्ग जोन बोरसी जोन में काम करते हैं, और इसी के तहत जो है सुरेश बघेल जी 5 तारीख को जो है
कसाईडी में 3:45 में उपभोक्ता कौशल तमेश्वर के यहाँ रेडिंग करने गया था, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया अंदर जाने के लिए, तो वहाँ से जो है तमेश्वर कौशल जी बाहर आते देख करके हमारे जो रीडर भाई है वो अंदर गया रीडिंग करने के लिए, तो उनके द्वारा जो है आप कैसे आ गए ऐसा करके उनके साथ जो है मारपीट किया और चाबी से जो उनके सिर पर जो है क्या बोलते हैं हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में जो है चोट आया, गंभीर चोट आया है। और इसकी जो सूचना हमने पद्मनाथपुर चौकी में दिया था और उसके अनुसार जो है पुलिस प्रभारी ने जो है विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो है पंजीबद्ध किया है, तो मैं आपके माध्यम से भक्ताओं को भी जो है ये कहना चाहता हूँ या निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग रीडर का काम केवल ये रहता है कि मीटर रीडिंग को देख करके जो है रीडिंग करना, बिल यदि आपको लगता है कि कम आया है, ज़्यादा आया है या पिछला जुड़ के आया है, ऐसा जो है रीडर के इसको जो है लेकर के रीडर के साथ कोई बहस या नहीं करना चाहिए, उनको जो है संबंधित जोन में जो है संबंधित अधिकारी के पास जा करके बिल को दिखाना चाहिए और यदि उसमें जो भी होता है संबंधित अधिकारी के द्वारा कार्रवाई किया जाता है। हम लोग का काम ये है कि केवल जो है रीडिंग जो दिखता है मीटर में उतना रीडिंग करके हम लोग बिल दिए जाते हैं। इस संदर्भ में जेई और एई की जानकारी दी है, संबंधित जेई जो है हम लोग फोन के माध्यम से दे दिए थे और हमारे सुपरवाइजर भी वहाँ उपस्थित था, इस घटना को जानकारी उनको दे दिए गए हैं, लेकिन अक्सर हम लोग इसको जो अधिकारी से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग जो है प्राइवेट कर्मचारी के रूप में है, हालांकि प्राइवेट कर्मचारी हैं लेकिन शासकीय काम को जो है हम कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो है एक भय जो है माहौल में हम लोग काम करते हैं, भक्तों के द्वारा कई बार गाली गलौज भी जाता है कि बिल ज़्यादा आ गया, तो इस प्रकार जो है हम अधिकारी से ही अपेक्षा करते हैं कि जो है हम लोग का कुछ सपोर्ट जो है करे उपभोक्ता के संदर्भ में या बिल के संदर्भ में यदि गाली गलौज होता है तो। क्या नाम है? TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए कृष्णा साहू की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।